देश की राजधानी भारत की विभिन्न संस्कृतियों का एक बेहतरीन संगम स्थल है। दिल्ली शहर में देश के लगभग हर प्रकार के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ विशेष जरूर है, जैसे इतिहास प्रेमियों के लिए लाल किला, इंडिया गेट आदि प्राचीनता और आधुनिकता का एक अद्भुत संयोजन है। यह शहर प्राचीन स्थल के साथ साथ एक से एक बेहतरीन म्यूजियम के लिए भी प्रसिद्ध है। कला प्रेमियों के लिए यहां एक नहीं बल्कि कई सारे म्यूजियम मौजूद हैं, जहां हर दिन हजारों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। उसी में से एक है शिल्प संग्रहालय, जिसका औपचारिक नाम राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय है। नई दिल्ली में पुराना किला के सामने भैरव मार्ग पर प्रगति मैदान परिसर में स्थित है। यह दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह संग्रहालय लगभग 8 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस म्यूजियम का डिजाइन चार्ल्स कोरिया द्वारा किया गया था और उस समय के राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमन 21 दिसंबर 1991 को विधिवत इसका उद्घाटन किया था। आज विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में इसकी गणना होती है। विश्व भर के लाखों पर्यटक यहां भारत की परंपरागत शिल्प एवं कलाओं का सजीव अवलोकन करने आते हैं। अक्सर लोगों को नदियों झीलों के आसपास घूमना बेहद पसंद होता है। इस शौक को पूरा करने के लिए जब आप नदियों और झरनों के किनारे जाते हैं तो वहां अपने ढेर सारे कंकर पत्थर देखे होंगे जो यूं ही किनारों पर बिखरे रहते हैं, लेकिन यदि आपको कहा जाए कि ये पत्थरें बेकार नहीं हैं तो आपको हैरानी होगी। कंकड़ कला के कलाकार प्रहलाद भगवान राव पवार, जो महाराष्ट्र के परभनी जिले के रहने वाले हैं, इनके द्वारा बनाई गई क्रिएटिव प्रोडक्ट को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। स्टोन इनली कहते हैं, उस क्राफ्ट है, ये पूरा स्टोन क्राफ्ट है और ये क्राफ्ट जो है बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। जैसे पहले मंदिरों में भी जो कुछ शिल्पपट वगैरह रहता था वो स्टेबल रहता था एक जगह पे। पहले गुरुकुल वगैरह नहीं थे तो लोग फ्रंट पे ऐसा कार्विंग करते थे पुराने जमाने में, जो प्राचीन में काल में, और उसमें सामाजिक संदेश दिया जाता था। उसी तरह हम ये फ्रेमिंग में लाए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एकांदा, जैसे हम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज दिख रहे हैं आपको यहाँ, तो ये बनाने के लिए हमें 6 महीने लगे। एक्चुअली ये जो आर्ट है, ये आर्ट जो है क्या बोलते हैं उसको, ये एंटिक में आता है। ये आर्ट की खासियत यह है कि एक बार एक बनेगा तो दूसरा वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी स्टोन है उसका रिप्लिका नहीं हो सकता। जैसा दूसरा जो कुछ स्टैचू वगैरह रहता है तो उसको मोल्ड में डाल दिया तो उसके हजारों पीसेस निकलेंगे, इसका वैसा नहीं है। एक स्टोन एक अगर पीस बन गया तो दूसरा वैसा बनता नहीं है, ये इसकी खासियत है। इसलिए ये इसमें आता है, मास्टरपीस में आता है और ये एंटिक में आता है। इसका अगर फॉरेनर्स हो या अदर केस पे हमने ये किया तो डॉलर में बहुत सारे इसमें जाता है, लेकिन हम यहाँ बहुत ही कम यहाँ पे प्राइस रख के हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्प्रेड हो जाए ये हमारा यहाँ पे ये है। तो जैसे आप छत्रपति शिवाजी महाराज का बोल दिया है तो 10,000 में हम दे रहे हैं। मधुबनी चित्रकला या मिथिला पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र के गाँवों की महिलाओं द्वारा की जाती है। यह कला नेपाल में तराई क्षेत्र के आसपास के हिस्सों तक विस्तृत है। मधुबनी चित्रों की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है, जब मिथिला के राजा जनक ने अपने राज्य के लोगों को सीता और राम के विवाह के अवसर पर अपने घरों की दीवारों और फर्श को रंगने के लिए कहा था। लोगों का मानना था कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अधिकतर महिलाओं द्वारा मिथिला पेंटिंग्स के कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों, दीवारों एवं कागजों पर उतर आई। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। मेरा नाम सरोज कुमार झा हुआ। तो एक्चुअली हम लोग का जो ये काम है पुश्तैनी काम है, दादी लोग करती थी, फिर माताजी पिताजी लोग, फिर हम लोग, मतलब ये पूरा हम लोग का पारंपरिक है। ऐसा तो माना जाता है कि
त्रेता युग से ही श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, तो राजा जनक जी ऐसा चित्रकारी उनके शादी बारात लोग आते और अयोध्या धाम से श्री राम जी आए, तो उसमें चित्रकारी उसी टाइम से हो रहा था। लेकिन अब हम लोग जो है, जैसे दादी लोग करती थी, तो माना जाता है कि 150 साल पहले से ये कला जो है, ऐसे पहले हम लोग के गांव में मिट्टी का घर हुआ करता था, तो किसी भी जैसे हम लोग के यहाँ जनेऊ होता था, शादी होता था, और चाहे मुंडन, कोई भी शुभ जो कार्य होता था, तो उसमें हम लोग दीवार पे ऐसा चित्रकार हुआ करता था कि पहले मशीन ये सब नहीं हुआ करता था। तो ये औरत लोग ढेकी इसमें धान कूटती है, फिर उसके बाद जो है इसमें दिखाए हैं हम जो पान मखान वहाँ का बहुत बड़ा वो है, तो इसमें जो ये पूरा तालाब है, पानी है, तो इसमें जो है मलाह जात के, तो वो पान मखान इसमें से निकाल रहे हैं, कोई चुन रहे हैं, तो पूरा जो है ताड़ का पेड़ है, तो सारा जो है इसमें देखिए महिला वहाँ मिथिला में मछली का भी जो माँस भात होता है उसका बहुत ही बड़ा मुख्य वो होता है, तो उसमें जो बना रही है मिथिला, तो पूरा जो है मिथिला कल्चर इसमें दर्शाया गया है। मेरा नाम रुचि कुमारी है और हम पटना बिहार से हैं, और ये हमारा जो आर्ट है ये टिकुली आर्ट के नाम से जाना जाता है जी। वैसे तो मान्यता है कि मिला था मौर्यन पीरियड में, लेकिन अभी हमने उस चीज़ को कि वहाँ पे जो मूर्ति मिली थी ना, तो उसके सिर पे एक बिंदी नुमा आकार बना हुआ था, तो टिकुली वहाँ से आया। और दूसरा, मुगलिया पीरियड में जो बिंदियाँ बनती थी वो शीशे की बिंदियाँ बनती थी जिस पे गोल्ड फॉइल से काम होता था, और हमारे बिहार में बिंदी को टिकुली बोला जाता है, तो वो टिकुली वहाँ बनती थी। पहले ये हमारा कॉटेज इंडस्ट्री में आता था, तो जब मुगलिया काल 1717 में डिक्लाइन होने लगा और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सारे कुटीर उद्योग को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जो भी आर्टिजन्स बचे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब ये आर्ट जिंदा कैसे रहे, तो उसको उन्होंने फिर शीशे के टुकड़े पे बनाना शुरू कर दिया। संग्रहालय के अंदर आदिवासी कला विधि के समीप एक पुस्तकालय है जहाँ विभिन्न शिल्प कलाओं से संबंधित जानकारी के लिए सहायता ली जाती है। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं लाइब्रेरियन हूँ। ये जो म्यूजियम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1991 में यहाँ पे, तब से यहाँ पर है। हमारे यहाँ मेनली हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम रिलेटेड स्पेशल बुक्स हैं। हाँ, हस्तकला, हस्तलूम की जो हस्तशिल्प के रिगार्डिंग सारा वो है, पेंटिंग वगैरह इस तरह की काफ़ी सारे सब्जेक्ट पर बुक्स हैं हमारे यहाँ। हाँ, सारा जैसे हमारा म्यूजियम है उसकी उसी टाइप से रिलेटेड सारी बुक्स हैं। हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं रेफरेंस के लिए, जैसे NIFT आपने सुना होगा या NID, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ सब इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं। यहाँ हम लोग रिसर्च कराते हैं उनको, उससे रेफरेंस लेते हैं, सारा मेनली हम लोग यहाँ सब कुछ करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बुनकर ने हथकरघा व हस्तशिल्प को अपने पारंपरिक कौशल से देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया है। हथकरघा उद्योग क्षेत्र में प्रदेश की कढ़ाई वाली कुल्लवी तथा किन्नौरी शॉल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। डिजाइन के हिसाब से, जैसे ये वाला डिजाइन है एक छुर में, फिर इस तरह का डिज़ाइन बनाया, उसके साथ जैसे जैसे काम करते गए उस हिसाब से फिर नॉलेज आता गया, जैसे डिज़ाइन बढ़ाया भी शॉल में, स्टॉल में भी उस हिसाब से करते गए हम। स्टॉल और शॉल, जैसे याक बुल बताया मैंने, शीप बुल बताया, और पश्मीना है, अंगोरा है, लैम बुल है, इस तरह की वरायटी आती है, फिर उस हिसाब से बनाना पड़ता है वरायटी। नहीं, परिवार से पहले से ही है हमारा, ये सभी करते हैं हमारा ऑलमोस्ट, जैसे फादर हो गए, मदर हो गई, इधर वगैरह सभी। तो ये थी क्राफ्ट म्यूजियम की एक झलक। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय कला, कलाकार और कारीगरों से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम को हमेशा याद रखेंगे। अरे क्यों तरसावे हो, मने सकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरसले उन बंगा दी मैं कह लगे मर बड़े में जागी दो कणी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बा